चलो, ये हमारी सुषमा स्वराज है, बीच में ही आ जाती है। उनको कहीं भी खड़ा कर लो, वो सामने हो जाती है। वोट डालने पहुंची, लोकतंत्र की जो मजबूती को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है पूरे देश में? लोकतंत्र की इस महापर्व में मैंने भी हिस्सा लिया और मैंने मतदान करके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति डाली है। इस देश में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर हमारे नरेंद्र मोदी जी वापस आए, प्रचंड बहुमत के साथ आए, इस बात की हम सब लोगों ने कामना की है और मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये कामना फलीभूत होगी। जिस तरह से पिछले चुनाव में जो मोदी लहर देखने दिखाई दी थी और जो कार्यकर्ता सड़कों से लेकर हाईटेक प्रचार दिखाई दिया था, वो इस चुनाव में दिखाई नहीं दिया, तो क्या? और दूसरी तरफ जो कांग्रेस आरोप लगा रही लगातार राफेल को लेकर, तो कितना असर पड़ेगा ऐसा भी बात? मुझे लगता है कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने तमाम आरोपों के बीच मुझे लगता है कि किसी भी आरोप को वो सही नहीं ठहरा पाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। इसके बाद मुझे लगता है अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। विपक्ष बेहद कमज़ोर है और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। महागठबंधन होने का ये एक प्रमाण है कि जितने भी विचारधाराएं हैं, विपरीत विचारधाराएं एक साथ खड़ी होती हैं, वो राष्ट्र के लिए क्या सोच पाएंगे? एक तरफ मोदी जी ने भी यहाँ सभा की थी बालोद में और दुर्ग में जो है राहुल गांधी भी यहाँ पहुँचे थे, कितना इससे भाजपा और कांग्रेस को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, ये दिखाई दे रहा है। हम जितने सीटों से पिछली बार जीत कर आए थे उससे ज़्यादा सीटों से इस बार चुनाव जीत कर आएंगे। मजबूत सरकार क्या भाजपा एक बार फिर से दे पाएगी जो पिछले बार? निश्चित तौर पर देगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है इस समय और राष्ट्र चाहता है कि एक सशक्त राष्ट्र बने, मजबूर राष्ट्र ना हो, इस बात की कोशिश इस राष्ट्र के तमाम नागरिकों ने की है, इसलिए ये लोकतंत्र का महापर्व बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है।